है एक्चुअली, इस फॉर्मूले को भी आप समझ लो, आप हाँ मैथिली शरण जी ग्रुप से, तो हो सकता है कि वो मॉडल पे आप हम हमारे साथ जुड़ जाओ। मोदी जी के भरोसा नहीं है कि वो तुम्हारा साथ दे के नहीं देता, पर हम तो साथ देंगे, तुम्हारे मॉडल में क्या है। एक मिनट बात करिए। जी जी हेलो जी सचिन जी बताइए। जय जी, जय श्री राम। श्री राम। आप कैसे हैं? मैं एकदम बहुत बढ़िया। हाँ, वो यदि दस भूत्र अंकल ने बताया तो मैंने कहा मेरे तो देखिए प्रिपरेशन 25 साल हो गए, उम्र तो मेरी कम है शरीर अच्छा में, हाँ हाँ लेकिन भगवान की कृपा है, हो सकता है पूर्व जन्म के संस्कार भी हो। ओके तो उसी आर आर जो हमारी संस्कृति है ना, वो ये ऐसा हाँ नहीं होता ना कि अपन सोचते यही जन्म में ही जो हुआ है। हाँ बिल्कुल हम ठीक तो कह रहे हैं, क्या, उसे हम पूर्व तो जन्म का प्रारब्ध कहते हैं। तो हाँ वो प्रारब्ध आपने जो पूरे पिछले हम जन्म की जो तपस्या की होगी, तो हाँ जब वो आप उसको पैदा हुए तो उसी तपस्या के साथ पैदा होते हैं, और उसको आपको उसी को उसको उसी प्रारब्ध को कहा जाता है। जैसे अपन उसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं, वैसे ही वो जेनेटिक वरदान है वो किसी को, अगर लेकिन उसको आपको उभारना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना वो कि क्या बोलते उसको हैं, प्रारब्ध कहते हैं। यू आर बोर्न विथ दैट एसेट, हाँ यू तो आर वो बोर्न आम एट दैट स्टेज। जी जी वो जी सेंटलीनेस भी हो सकती है, वो और कोई भी चीज हो सकती हाँ इट है। कैन बी नेगेटिव आल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो। पॉजिटिव आल्सो, हाँ दुष्टता भी इन हो माय सकती है और केस, सेंटलीनेस भी हो सकती है। हाँ इन माय केस आई एम लकी इनफ कि मेरे को ईश्वर ने वो भी दिया है, प्लस मैं साइंस से भी बिलोंग करता हूँ। मेरी मेन बिलोंगिंग तो साइंस से है, आई यूज्ड टू बी इंजीनियर, ठीक है ना। तो जब मैं अध्यात्म में गया, हिमालय गया सब में, तो फिर मैंने ईश्वर से, क्योंकि मैं तो साइंटिस्ट हूँ, आपको क्लियरली बताऊँ साइंटिस्ट हूँ, तो मैंने कोई भी चीज ऐसे नहीं मान ली कि जैसे अगर मैंने हनुमान जी को माना, तो मानने के पहले उनको जाना है ना। तो जानना इज मोर इम्पोर्टेंट देन मानना, मानना विल बी ब्लाइंड फेथ एंड जानना विल बी भक्ति। सो वो किया है, तो उससे बहुत सारी चीजें मेरे को स्टेज, अब मुझे बहुत सारी चीजें डिकोड हो गई हैं कह लीजिए। तो व्हाट आई एम फीलिंग, इट माइट बी आप मेरे ओपिनियन से वो ना हो, माय फीलिंग इज कि मैं जो अभी जो राजा हैं, जो जिन जो आप समझ लीजिए बहुत लाखों की तपस्याओं के बाद आए हैं, क्योंकि ये तो ये टाइम तो कलयुग है ना, आप कहना चाहिए जो, उसमें भी मैं डिफर करता हूँ। कलयुग और सतयुग सब आपके अंदर है, इट इज योर यूनिट। अगर आप अच्छे महाभारत हैं भी तो आपके अंदर ही है। हाँ, वो महाभारत को, मैं महाभारत रामायण को पूरा जो सही उसमें कहते हैं ना डिकोड कर दिया है, जिसको जो लेमेन को समझ में आ जाएगी। जैसे सूर्य लेमेन को भी समझ में आता है ना, सूर्य को देखने के लिए, बस उसके ऊपर उसमें ये होगा कि सूर्य की जो पंडित और जो सो कॉल्ड महात्मा होंगे वो उसकी आराधना करते हैं, लेकिन वो मजदूर को भी समझ में आएगा। कोई भी नेचुरल चीज जो होती है, जो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है, और कोई भी हाँ जो अननेचुरल चीज होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। हाँ एंड द वर्स्ट पार्ट इट कि लोग कॉम्प्लेक्स चीज के पीछे जाते हैं जो अननेचुरल होती है, क्योंकि उसको उससे वो लगते हैं कि ये मैं उसमें बैठा हूं, अगर ऑडिटोरियम में अगर सामने के बेंचर को समझ में आ रही है तो वो अपने आप को इंटेलिजेंट मानेंगे, और पीछे को नहीं समझ में आ रही उसको वो मानेंगे। मेरा सोचना ये है कि आपको इतनी सिंपली, मैंने भगवान ने इतनी कृपा करी कि उसको इतनी सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दिया कि इट विल बी इजी फॉर एवरीवन। वाह बहुत अच्छी बात है। तो जैसे हर चीज, मतलब वो ही बता रहा हूँ ना कि किताब की जगह अगर मुझे किताब पढ़ने की जगह मैंने व्यास जी को पढ़ा, जैसे व्यास जी ने सारे लिखे हैं है ना, बुद्धि बुद्धि पढ़ने की, बुद्धि को जानने की जगह मैं गणेश जी को पढ़ा, इट इज अ लॉन्ग जर्नी बट इट इज अ वेरी फ्रूटफुल जर्नी। सो वो उसके लिए मुझे अब एक एक मेरे को जो मेरे थॉट्स हैं और कह लीजिए आइडियाज हैं और वो हैं आगे ले जाने के लिए, तो मेरी जर्नी तो ये है। मेरे ये भगवान का एक वो है, ज्यादा मांग नहीं है, ये भारत को दोबारा विश्व गुरु कैसे बताना है, अभी बना आप तो हो रहा जो है। है, अभी आप जो है शब्दों के जाल को फंसे हुए हैं। आप मैथ वो बताइए, व्हाट इज योर पाथवे, कैसे करोगे, क्या करोगे, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, हाउ यू विल अचीव इट, वो सब बातें करो। ऑब्जेक्टिव इज दिसी, पहले तो आपको वो पात्र ढूंढना है, ठीक है ना, जिसमें आप जो भी पर मेन चीज होती है, अपने अपने यहाँ तो गुरु शिष्य परंपरा चलती थी ना, अपने यहाँ गूगल नहीं चलता था, अपने यहाँ ये चलता था कि जो चीज जिस चीज का पात्र होता है उसको वो चीज मिल जाए, ठीक है ना।
जो ब्रिटिशर्स ने खत्म किया है 1800 में, जब 1857 के बाद जब उनको ये पता चला कि क्रांति के बाद, तो उन्होंने कहा कि क्रांति ना हो, तो उन्होंने फिर हमारे गुरुकुल्स को खत्म किया है आफ्टर 1857। वो मुगलों ने भी खत्म नहीं किया था, क्योंकि गुरुकुल में क्या होता है कि एक तो गुरु होता है और शिष्य होता है, स्कूल नहीं होता। मुगलों ने केवल आपकी किताबें जलाई थी, नालंदा को किया, तक्षशिला को किया। वो किताबें जला के आपका अंदर की विवेक और बुद्धि नहीं जल सकती, लेकिन इन्होंने अपना हमारा क्या कह दिया, इन्होंने हमारे कनेक्शन काट दिया, आप समझ लीजिए। अच्छा चलो आप इस कहानी को थोड़ा सा कम करें, लेट्स टॉक द पाथवे। माय थिंग इज कि इज इट पॉसिबल फॉर अस टू टॉक फेस टू फेस। गुरुजी ने इन्हें बताया, अभी एक चीज और मेरे को पता चली आज, कुछ बताया उन्होंने, मैं क्योंकि मैं गौ माता की भक्ति में हूँ, तो उन्होंने बताया कि अभी एमपी गवर्नमेंट 12 लाख इनका नसबंदी करवा रही है। So, नसबंदी करा रही है ये इनकी सांडों की, नंदों की, 23 अक्टूबर में। अच्छा, तो फिर वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड और अननेचुरल चीज है बिल्कुल। मैं उसी चीज में, मैंने कहा इट्स माय टाइम, अब टाइम टू कम आउट, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कह लीजिए अज्ञातवास में था मैं बहुत टाइम, ऑल इन इनसाइड, नाउ इज टाइम टू कम आउट नाउ। सो बताएं कि जो जैसे आप लोग जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, और लाइक माइंडेड से ज्यादा सेल्फलेस पीपल हैं, जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, अचीव करने के बाद उनकी और इच्छा नहीं है अचीव करने की, उनने स्थिरता पा ली है, और अब जीवन का सही उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द लाइफ गोल, क्योंकि हर आदमी के कोई ना कोई गोल के लिए पैदा हुआ है, ठीक है ना। हम हमारी दुर्भाग्य है कि हम अपोजिट गोल में गोल मार के अपना गोल समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और अभी कोरोना इज द बेस्ट, ये टाइम इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसमें आदमी को पता चला, जिसको आदमी दुनिया मानती थी वो दुनिया नहीं है वैसी, वो तो बहुत नशवर दुनिया है। लाइफ, सही रिलेशन, सही वैल्यूज पता चले इस कोरोना टाइम में, पीपल उसको टेक इट नेगेटिवली, मैं तो उसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, कि आदमी को उसकी सही हैसियत पता चल गई, अगर ये ना क्रूड टर्म में मैं बोलूँ कि आदमी की हैसियत क्या है एज अ बायोलॉजिकल बीइंग। तो वो उस चीज के लिए मैंने बहुत सारी, मैं चक्रों पे भी बहुत काम किया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो करवाई है ईश्वर ने, लेकिन आई केम प्रिपेयर्ड, मुझे 25 साल प्रिपेयर किया है प्रकृति ने। उसमें आप भगवान का नाम ले लें, चाहे किसी गुरु का नाम ले लें, हर चीज से प्रिपेयर होके आया हूँ मैं। वाह, तो बहुत सुंदर बात है। प्रिपेयर मींस कि आई एम रेडी टू डाई टुडे। सबसे बड़ी प्रिपेयरनेस ही होती है कि आपको मृत्यु से, जो अमृत कहते हैं ना, वो आपके अंदर ये होना चाहिए कि वो फिर मृत्यु का भय चले जाना चाहिए। तो आदमी सिर्फ दो ही चीजों से, एक हिंदू धर्म तो दो ही चीजों से बंद गया, एक तो लालच, पुण्य नाम का लालच, और पाप नाम का भय, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया वो। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा। सो वो चीजों से उसको, उसका एक पूरा मैंने कह लिया एक थीसिस बना लिया, एक पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है। ओके, उसका पात्र मुझे, इट माइट बी योर ओन, इफ अगर वो आप उस ओपिनियन में ना हो, मुझे वो पात्र सिर्फ एक यही दिख रहा है, मोदी जी, जिनको अगर मैंने कुछ बात करी और उनको समझ में आ गई, सो आई फॉर मी टू इम्प्लीमेंट ऑल दोस प्लान्स विल बी वेरी इजी। उन्हें आसानी से मुझे समझ में आती नहीं है, हैं? उन्हें आसानी से कुछ समझ में आता नहीं है। नहीं, अगर देखिए उस आदमी की भी जर्नी रही है, ऐसा नहीं है, उसके अपन उसके अपन इट्स वेरी इजी टू फाइंड फॉल्ट, लेकिन उस आदमी की भी जर्नी रही है, और वो आज बिना किसी काम के, बिना किसी ताज के बादशाह बनाया अगर दुनिया का। अगर आपकी कोई बात, जैसे आप मेरी अगर कोई बात सुन रहे हैं, आपके यू आर माइट बी वेरी बिजी पर्सन, लेकिन अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो कुछ तो होगा मेरे पे में। तो ऐसे ही उस आदमी के अंदर अगर कोई सुन रही है पूरी दुनिया, तो उसके साथ कुछ तो हो गई, उसकी भी जर्नी रही है। वो कहानी कहने की बजाय आप यू टेल व्हाट यू आर टू ऑफर, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, हाउ यू इंटेंड टू अचीव, व्हाट आर द पाथवेज, ऐसे बारे में बात करो तुम। टॉक एज एन इंजीनियर, नॉट टॉक लाइक ए पुलिस पर्सन। इंजीनियर विल बी अ टेक्निकल पर्सन, सो उसके लिए फिर हमारे को आप तो ये बताइए कि आपके पाथवेज क्या है और तरीका क्या है उसको करने का। मेरा तो ये है कि मैं जो हिंदू हिंदू संस्कृति कह लीजिए को डिकोड कर लिया, वो पूरा साइंटिफिक उसमें है, वो मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साइंस में है वो। तो ओनली थिंग इज कि
आर्ट वही बोला ना आपको मैंने, हमारे हम उसको एक बताओ कि साहब ये बड़ा बड़ा ये सूत्र है, इससे ये चीज समझ में आ रही है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, इससे विश्व का कल्याण ऐसा करेंगे, एक आध सूत्र बता दीजिए जो आपने डिकोड कर लिया है। डिकोड करने वाली चीज आप कोई को ही कोई तो, कोई जो आपको लग रहा है कि आपने गूढ़ ज्ञान डिकोड कर लिया है उसको बोलिए जरा। नहीं तो मेन तो यही है कि सबसे पहले क्या बोलते हैं, दुनिया जो है वो पूरी वन वन और जीरो के अंदर ही है। अरे यार ये कहानियां कहना बंद करो यार, आपने कोई चीज कही है जिसको जमीन पे उतारना है वो कैसे उतारना है, क्या क्या समझा है वो गोल बात करो, कहानी मत करो, गोल गोल बातें मत करो, लच्छेदार बातें मत करो। नहीं मैं फिर वो आपसे अगर आप मेरे से बात कर पाएंगे अपन फोन पे, इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि फोन पे वो मीडियम नहीं आ पाता, ठीक है ना। इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू टू मीट then we'll meet, or if you think if you're not happy with this conversation we'll end this conversation. अभी तक तो कोई conversation हो ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो सर आप लच्छेदार बातें कर रहे हैं अकेले। नहीं लच्छेदार बातें नहीं कर सकता मैं अभी, अपन फोन पे मिल रहा हूँ अभी, फोन मैं वही तो बोल रहा हूँ, फोन पे अपन, फोन एक कनेक्शन का मीडियम है, यू कांट मैं आप तो उस पर क्या बोलते हैं ना, वो ज्ञान उसमें ट्रांसफर होता है ना, वो होता है ज्ञान जब ट्रांसफर होगा या कोई सत्संग तब होगा जब अपन सामने आमने सामने होंगे। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मीट देन वी'ल मीट, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर नहीं, नहीं मिल सकते हैं आप आइए मिलिए, ठीक है फिर मैं बूतरा जी को देता हूँ है ना, फिर अपन बात करते हैं ये बात ये सर अभी तो लच्छेदार बातें कर रहे हैं। देखिए अभी इनके अंदर की जो है ये बाहर निकालना चाहते, पर ये निकालना चाहते मोदी जी के सामने, इनको उनको उनके अंदर एक चीज लगती है कि उनके माध्यम से अगर ये आएगी तो इफेक्टिवली लागू हो सकती है, इसलिए अन्यथा इनको फील्ड में तो आना ही पड़ेगा, खुद करने आना पड़ेगा। मोदी जी को जब एक परिवार में चार चार पांच पांच लोग मर रहे थे तब मोदी जी के सेहत पे कोई फर्क पड़ा क्या? मैंने कहा ना कि वो सबके अपने अपने, नहीं नहीं मैं पड़ा क्या किसी की सेहत पे फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो फिर देखिए ये जो है ना इनके पास तो ज्ञान की बात है तो कहेंगे साहब ये रास्ता है, मैं तो बता रहा हूँ ना कैसे करूंगा। ये बता इनको भी इसी टर्म में बात करना चाहिए जी, इस टर्म में अभी नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने किया नहीं ना, फील्ड में, फील्ड में करने का जो काम है इनके अंदर तो सारा आ गया ब्रह्मांड से, पर वो डिलीवर होकर माध्यम दूसरा है, जब वो कहेंगे तब समझ में आएगा। हाँ हम तो, हमने तो वो माध्यम नहीं माना, हमने तो कहा कि हम कॉस्मोस से बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जिन लोगों में अनुकूल ऊर्जा है वो हमसे जुड़े और हम अपनी शक्ति पे कर देंगे। बराबर बेचारे मोदी जी तो बहुत बिजी इंसान है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 42% लोग जो है ना क्रिमिनल, उनको टिकट तो उन्होंने ही दिए है ना जी, पड़ रहा है उनकी भी, उनकी भी मजबूरी है कि कौन जिता के ला सकता है, कौन के पास में गिरोह बड़ा है। आपकी अपनी सामर्थ्य की शक्ति नहीं है, आपकी अपनी शक्ति नहीं है, देश की दिशा को देने वाली शक्ति आपकी नहीं है। उनकी तो क्या होता है वो मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा उनके पास प्लस वो है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी निगेटिव चीजों को ओवरलुक करके फिर भी वोट देते हैं क्योंकि उनको विकल्प नहीं दिखता है, उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी कि कोई आपको इसलिए जता रहे हैं कि विकल्प नहीं है, नहीं तो आपके अपनी चीजें नहीं है आपके पास। हाँ हमें तो उसी दिशा में काम करना है, देखिए इनके सोच में उसमें हम डिफर करते ही है, बातें कह रहे हैं ये इनका अपना कहना है कि हमने सब कुछ समझ लिया है, क्या समझा है उसके बारे में तो उन्होंने एक लाइन नहीं कही, तो वो आपके साथ बैठेंगे ना। हाँ हाँ जब आप बैठे सामने तब हमारी ये है कि हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और हमारी उस पर यूट्यूब पे लोड होगा जी, ठीक है तो ठीक है, हम कोई बात प्राइवेसी में नहीं करेंगे। हाँ बराबर ठीक है, चलिए हम कोई बात प्राइवेसी में नहीं करेंगे, आप जब कहोगे तब हम बैठने के लिए तैयार हैं, आज भी बैठने के लिए तैयार जी 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 ठीक है, बहुत अच्छा हूँ, लेकिन उनको एक शर्त बता दीजिए कि हम कोई भी बात प्राइवेसी में नहीं करेंगे। जी 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 ठीक है, मतलब ये कॉस्मोस ज्ञान है तो हम जनता में बांटेंगे, जो जो लेने की क्षमता रखता है वो ले लेगा, जिस जो जो चिकना घड़ा होगा उसके ऊपर से निकल जाएगा। बराबर ठीक है, है ना, तो आप मेरे ख्याल से आप मेरी बात से सहमत हो? नहीं समझ गया मैं, समझ गया मैं। अच्छा आपके उधर वहाँ कुछ HIG है आपके घर? मेरे को हमारे एक परिचित है डॉक्टर रचना पांडे, उन्होंने कहा कि हमारे दो HIV है वहाँ पर, ये चौथा ये आपके
इसी के आसपास ही है, डीके टू में है वो। हमारा ये डीके थ्री में पड़ता है, ये आईपीएस कॉलोनी है छोटी सी, ये दानिश चौराहे पर है जो। हाँ, तो आपने देखा तो है। हाँ नहीं, दानिश चौराहे के पास में ही डीके टू एच आई जी है 33 और 34 नंबर। अच्छा, तो ये इन्होंने किसी को दिए हुए थे किराए से, बोले आपको। मैंने कहा हम देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा रहता है, तो हम उसको गेस्ट हाउस वगैरह या हमारे उस मूवमेंट के रूप में अगर हमें लगेगा, क्योंकि वो आपके बहुत नजदीक होगा, तो हम उसके बारे में प्लान करते हैं। ऐसा करके हमने उनसे बोला, डॉक्टर रचना पांडे है वो। अच्छा, तो वो कहीं विदेश में थी वो। हाँ, और अब वो इनके हस्बैंड कोरोना में चले गए, तो वो और बेटी यहीं रहती है भोपाल में। अच्छा, तो हम उनको हेल्थ के मूवमेंट में उनको ला रहे हैं कि भाई हमारा हेल्थ के अंदर हम जो है, एक 5 मंजिला बिल्डिंग हमारे एमपी नगर के अंदर है, 10,000 स्क्वायर फीट हमारे एक मित्र की है वो। हमने उनको कहा इसको निरोग भारत मूवमेंट में दीजिए, बोले आप इसका प्रोजेक्ट बना के दीजिए, तो फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट था कि अभी जैसे किसी को पैरालिटिक अटैक आ गया, पैरालिटिक अटैक इसमें सालों लग जाते हैं इनके एलोपैथी के इलाज में। हमारे यहाँ जो है जस्ट पहले टाइमली पता लग गया, तो हम उसको आने के पहले भी ठीक कर सकते हैं, या फिर उसको 1 महीने में भी ठीक कर सकते हैं। तो वो हम सारे सिस्टम जो है, जो रिवर्सल ऑफ डिसीज के जो सारे सिस्टम है, उनको हम जो है क्लिनिकली प्रामाणिक रूप से प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये एलोपैथी का जो बहुत बड़ा वो है कुचक्र। देखिए, एलोपैथी तो एक षड्यंत्र है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, और दूसरी चीज मैं एक आपको और बताना चाहूंगा कि एलोपैथी का जो ज्ञान है वो विदेश से आया है, उसे इंडियन डॉक्टर्स ने डिस्टॉर्ट किया है, उसको शुद्ध लाभ का सौदा बना दिया है। बताइए, नहीं तो जो है वायरल फीवर में आपको एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? बताइए, शुद्ध लाभ का सौदा नहीं है। और आप कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है। अरे साला, जो आपका ये प्रोटोकॉल जिस देश से एलोपैथी आई है वहां तो प्रोटोकॉल है नहीं, तो ये प्रोटोकॉल किसने पैदा किया? हम आप उस दिन आप चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में बात की और कहा तो उनके सब प्रोटोकॉल गलत है और आप हमारी इम्यूनिटी को सुला दे रहे हैं। तो ये तो लाभ के धंधे के प्रोटोकॉल है ना। चलिए, हमारे मूवमेंट में आपको इलाज नहीं है, उसमें आप लाखों के बिल कैसे बना रहे हैं? जी, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमें तो अपनी अपनी तैयारी में लगना है। तैयारी नहीं, अपन को चीजों को भाषण में नहीं कहना है, जमीन पे तर्क उतारना है। जमीन पे करना। ठीक है, मैं अपन भी बाद में बात करता हूँ, मैं जरा भी निकल रहा था कोर्ट के लिए। जरूर जरूर जरूर। नमस्कार।